गरीबों की आवाज़ स्वर्गीय रूपेश सिन्हा की शहादत कभी ज़ाया नहीं जाएगी। हम उनके उद्देश्यों को मुकाम तक पहुंचाने तक उस संघर्ष को जारी रखेंगे। द झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के तत्वावधान में स्वर्गीय रूपेश सिन्हा की 14वीं पुण्यतिथि पर रूपेश चौक मुनिडी में आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि द झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के जोनल अध्यक्ष AK सहाय ने ये बातें कही। विशिष्ट अतिथि जोनल सचिव सह धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार सहाय ने कहा कि भूमाफियाओं द्वारा गरीबों की हड़पी गई जमीन वापसी के संघर्ष ने उन्हें भूमाफियाओं की आंखों का किरकिरी बना दिया, जिसके कारण उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। बाल कलाकार शुभ कुमार सिंह के सुरीले स्वर में प्रस्तुत स्वागत गीतों ने लोगों को विभोर कर दिया। सर्वप्रथम रूपेश चौक पर स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मौके पर AK सहाय, अमरिंद्र कुमार सहाय, अमितेश सहाय, अंकित सहाय, RR कर्ण, मुनिडी OP प्रभारी रोशन बाड़ा, प्रकाश नोनिया, मुखिया आनंद गुराई, दीपक सिंह चौधरी, राजकुमार पांडे, महेंद्र कुमार, मुकेश सिन्हा, AK सिन्हा, जितेंद्र कुमार चौधरी, चंद्रमोहन रजवार, लाल मोहन राम, सूरज महतो, निरंजन महतो, राजू गोप, बीरेन गोप, संजय पासवान, विजय पासवान, अरूप बटियार, दयाशंकर सिंह, वेदानंद सिन्हा, विनय सिंह, गोपाल सिंह आदि उपस्थित थे। से जब गुजर रहा पॉइंट ब्लैंक डिस्टेंस से गोली मार दिया, बुखारो हॉस्पिटल में फंस किया गया। आज यहाँ मारने वाला राजचाल में आजीवन कारावास होगा कहा जाए। आज 14वीं वर्ष का है, श्रद्धांजलि दिवस 14वीं वर्ष का है। चरणों में आ रहे हैं, हम लोग बराबर में आ रहे हैं। कर्मठ देता था, उभरता हुआ नवजोर देता था, गरीब दुर्गा के काम में आता था, रात बिरात हर जगह पहुँचता और पार्टी भी करता था। तो जलेश्वर महतो का पार्टी जब दल इंजन में मेरे साथ क्योंकि हमारा भतीजा भी लगता है, जो भाई था बड़ा भाई उसी का फोटो था। लेकिन अभी जो है उसका केस जो है सबको भी कंडक्ट किया था मेरा देखा। अब तो दुश्मनी हमारे साथ भी होगा, कई बार हम लोग भी तैयार हैं, अभी कल जो होगा देखा जाएगा। हम लोग न्याय दिलवाते रहे, मेरा बेटा अथक प्रयास करते कई एक वर्षों लगा गवाही हुआ उसके बाद होगा। अब आगे देखिए निकलने के बाद क्या आज गुनाहगार सलाखों के पीछे आजीवन कारावास। वर्ष 2008 4 मार्च रात के 9:30 बजे अपने घर के रास्ते में ही जो है अत्यारा कालीचरण माधो एवं अन्य ये सब रोक करके रास्ते पर मतलब बिल्कुल नजदीक के पॉइंट ब्लैंक डिस्टेंस में गोली मारकर हत्या कर दिया। क्योंकि ये हमेशा कदाचार दुराचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ में गरीब गुरबा के लिए भी खड़ा रहता था, आवाज़ उठाता था। और ये कालीचरण माथो जो है क्योंकि ये इसके ऊपर में इस बलात्कार का भी केस था जो अपने चाची के साथ उसका भी वही करता था। और नतीजा है कि कुछ इन्हीं सब कारणों से ऐसा लगा कि उसकी हत्या कर दी गई और आज वो आजीवन कारावास केंद्रीय कारा हजारीबाग में भुगत रहा है। 14 वर्ष तो गुजर गया उसका भी, क्योंकि वो 5 मार्च है और जहाँ तक हमको याद है कि 25 या 27 मार्च को वो पकड़ा के जेल चला गया। वो जाके गया, बहुत साथी आदमी गया कोर्ट में जाकर सरेंडर किया था और वहाँ से वो यहाँ रिमांड हुआ और 25 मार्च से अभी तक वो जेल में।